じゃないですか。मैम एक बार फोटो इधर ही कर लेते हैं। मैम पहले फोटो कर लेते हैं। मैम इधर सेंटर, इधर इधर सेंटर। मैम आप थोड़ा सा हो जाइए। हाँ मैम सेंटर, हेमा जी सेंटर, ये सेंटर, ये विशाल दो माइक, वायर दो, वायर वायर दो, वायर हो गया। आगे आ जाओ। कल अभिजी का 70th बर्थडे था, सेवेंटी लामत बड़ा नंबर होता है, पहले समथिंग हो गया। लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी होता है, लास्ट क्वार्टर जो कैप्टन क्वार्टर्स पार करके आ चुके हैं। 70-75 से द लास्ट वन, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अनुप जी का इतना बहुत बढ़िया बर्थडे मनाया जा रहा है। इज एंटरिंग 70th ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आए। इतना सुंदर गाना गाते हैं और इतना एंटरटेन किया पूरा देश को, अपना भजन गाकर और बहुत सारे गज़ल ये सब गाकर। उनकी एक अलग एक पोजीशन है इस पूरा म्यूजिक वर्ल्ड में, एंड इट इज़ सो नाइस दैट ही इज़ सेलिब्रेटिंग हिज 70th बर्थडे। सो आई एम हियर फॉर। व्हिच इज़ योर फेवरेट भजन, कोई ऐसा? मोस्ट ऑफ देम व्हाट एवर ही सिंग्स। और मुझे भी एक मौका मिला था उनके साथ गाने का, मैंने भी एक भजन गाई थी उसमें उनके साथ ही गाया। आपकी दोस्ती कैसे शुरुआत कैसे हुई, अगर कुछ बताना चाहो पहले किस तरह से आप मिले? ऐसे आई थिंक बहुत सारे कार्यक्रम में, हम मेरा भी शो होता है उनका भी होता है, ऐसे शायद मिले हम, देन वी केम क्वाइट नाइस। हमारा भी कोई शो होता है तो ही हैज ऑलवेज बीन देयर परफॉर्म करते हैं, तो और हम बहुत सारे जगह पे हम लोग मिलते रहते हैं। हाल ही में मूवी आई रॉकी रानी, आपने देखी रहेगी? नहीं नहीं देखी, नहीं देखी अब तक। देखूँगी, मुझे बहुत खुशी होती है, धर्म जी का बहुत अच्छा, सब लोग बहुत पसंद किया। यस थैंक यू भाई, फोटो करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हेमंत यहाँ पे हो गया तेरा। हाँ अनुप जी की बहन है, विशाल पीछे आ रहा। हाँ कोई एक लोग फोटो ले लो, चलो आ गए सब लोग। जरा फोटो ले, फोटो लो भाई, हम लोग सब प्रेम के बाहर हो गए। छोटा फैमिली आपका कोई फोन दे दीजिए मुझे, मैं ले लेता हूँ थोड़ा। आप मैडम अंदर आओगे तो हो जाएगा। ये कैमरा में देखिए सर, नाइस। अरे नाइस क्या था इसमें? जियो हजारों साल से मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बहनों की बहुत बहुत दुआएं हैं और सारे विश्व की बहनों की उनको दुआएं हैं, वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें और सबको खुशियां बांटें। और सब भाभियों की भी दुआएं, भाभियों की भी दुआएं। अजय बच्चा अभी हमारी हम भाभियां हैं,
सेट हीरे दा हीरे दा बारी वर्षी खटिया सी खटके ले आंदा सेट हीरे दा आज रोनका लग रही है चाहिए हैं बिकॉज़ बर्थडे है साडे हीरो दा वेरी गुड यस बेस्ट विशेस फ्रॉम भाभीज आल्सो थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल भाभीयों की तरफ से थैंक यू चलो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू मैडम मैडम पहले फोटो हो जाने दीजिए वाइट हो जाने दीजिए उसके बाद अपना पहले फोटो मीडिया के लिए कर नहीं नहीं फोटो कर लीजिए विशाल भाई विशाल थोड़ा पीछे हो जाओ बस ठीक है बस बस अरे बहुत से ऐसे बहुत से किस तरह से दोस्ती की शुरुआत किस तरह हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है कैसी हुई उससे डिटेल में बता नहीं पाऊंगा दोस्ती है काफ़ी दोस्ती सर विजुअल फोटो विजुअल चाहिए सर सर विजुअल चाहिए सर फोटो यहाँ पे सर यहाँ पे ठीक है डन थैंक यू सर विजुअल्स ले लो हाँ हाँ थोड़ा आगे आ जाए चलिए हां बाइक यस बाइक 17 बर्थडे है जी अफवाह फैलाई गई है आज की सत्तर है लेकिन मैं इस अफवाह पर विश्वास नहीं रखता बिल्कुल आज 17 साल की हुई है ठीक है एक छोटी सी रिश्ता बनती है एनर्जी के लिए जी मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ उनकी अच्छी सेहत उनके अच्छे गायन के लिए और न सिर्फ बहुत अच्छे गायक उससे अच्छे इंसान हैं और आप पार्टी की जान रहते हैं ऑल द बेस्ट जी अनूप जी नहीं है वहाँ पार्टी जैसे लगती है कोई जान नहीं आई पार्टी अगर अनूप जी आ जाते हैं वहाँ जाना अपनी पार्टी नहीं किसी की पार्टी में अगर अनूप जी पहुँच जाते हैं तो बात सिर्फ अनूप जी की होती है उनके वैसे सैकड़ों भजन हैं इतने सालों से लेकिन उनका एक जो ट्रेडमार्क है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन बहुत ही पॉपुलर गाना है बहुत गाए इतने गाने इतने और अभी तो आजकल वो जो फिल्मी गाने भी गाते हैं उनमें भी जान डाल देते हैं दे बेसिकली ही लव्स म्यूजिक थैंक यू सो मच हेलो सर सबसे पहले कल अनूप जी का बर्थडे था 70वां एक ऐसा नंबर है काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर आप बताना चाहोगे अनूप जी के बारे में किस तरह की विशेष देना मेरे हिसाब से अनूप जी 70 साल के जवान हुए यस क्योंकि उनका जो यौवन है वो कोई कभी छीन ही नहीं सकता करेक्ट लेकिन जब वो बहुत कम उम्र में उन्होंने जब गाना शुरू किया था उस वक्त भी बहुत मैच्योरिटी से गाते थे राइट है ना हाँ और आज जब वो गाते हैं तो उस उनमें परिपक्वता जिसको बोलते हैं ना वो परिपक्व हो चुके हैं अनुभव से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता राइट सर तो अनूप जी एक बहुत अच्छे महान गायक तो हैं ही लेकिन एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं और उनकी जो मित्रता है वो उनके स्वभाव की है बात और इस वजह से वो हमेशा सबको खुश रखते हैं चाहे वो उनके दोस्त हों चाहे वो उनके फैंस हों और अच्छे अच्छे गाने गाते हैं अच्छी अच्छी तर्जे बनाते हैं और अपना एक स्थान उन्होंने खुद दो लाइनें आज अनूप जी के लिए आपके शब्दों में मेरे शब्दों में मैं उन्हें गाकर तो नहीं विश करूंगा क्योंकि उनसे बेहतर तो मैं गा नहीं सकता लेकिन मैं यही कहूंगा कि ऐसा मैं नहीं समझता कि सिर्फ उम्र में जो बड़े होते हैं उन्हीं को आशीर्वाद देने का हक है जो उम्र में छोटे होते हैं उन्हें भी आशीर्वाद देने का हक है तो मैं बहुत ही दिल से उन्हें शुभ आशीर्वाद देता हूँ
कि आपके गाने और आपका साथ हमें ऐसा ही मिलता जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सर। अनु जी की पहली फिल्म थी सत्य सीढ़ी का साहिबा, उनका एक गाना पिक्चर है इस बात का, श्री भोला भंडारी। इधर विजुअल्स कर लेते हैं। हेलो, बाइट हो गया, फोटो करना था। गाड़ी आ गई, चलिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। नीरज, अरे तो फोटो मारो। अनूप जी की बहुत साल, बहुत पुराने हैं। देख लिया, क्या हाल है? चलिए सर शुरू करें। शुभ सर के लिए सबसे पहले तो विशिंग अनूप जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और हमारी पहचान इतनी पुरानी है कि आप सोच नहीं सकते, जब हम एस्टेब्लिश नहीं होते उससे भी बहुत पहले की। और उन्होंने हमारे लिए गाना भी गाया, इतने कमाल के इंसान हैं कि एवरीबॉडी जस्ट लव्स हिम। राइट सर, आप क्या कहना चाहोगे अनूप जी के 70वें बर्थडे पे? हैप्पी 70th बर्थडे, भगवान हेल्थ अच्छी रखे और लंबी आयु दे। जैसे आनंद जी ने कहा, जब हम संगीतकार नहीं बने थे तब आनंद प्यानो बजाता था, मैं गिटार बजाता था। यस, आनंद शायद नहीं बजाया अनूप जी के साथ, लेकिन मैंने बहुत गिटार बजाया उनके साथ, और खासकर टीवी सेंटर पर। और मैं वहाँ जाता था, अनूप जी गजल गाते थे, उनका जो ग्रुप था उसमें मैं गिटार बजाता था। यस, सो इन अ वे करियर्स स्टार्ट हुआ इनके साथ, बहुत ही पुराना रिश्ता है। और हम लोग जहाँ रहते थे कुटिंग रोड खार, तो अनूप जी भी सामने में ही रहते थे मकान में। राइट, उनके पिताजी भी वहाँ रहते थे। बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यस, दो लाइनें तो हो जाए आज अनूप जी के स्पेशल दिन पे। ये हमारे गाना गाया था वो कौन सा? कुछ भी कुछ वो अनूप जी का गाना था, अक्षय कुमार के पहली फिल्म का, अक्षय कुमार का पिक्चर हुआ था। बराबर का। राइट राइट, हार गया दिल फरियाद कर। यस, हार गया दिल अनूप जी का फरियाद करके, हम रोए तुम्हें याद करके। क्या बात है, तुम्हें याद करके मैं हार गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। रमेश सर वेट वेट, थैंक यू, थैंक यू रमेश जी। सर इधर कर, बहुत से दोस्त आए आपके ऊपर। यहाँ पे फोटो करते हैं, हाँ यहाँ पे फोटो करते हैं, यहाँ फोटो ले लेते, फिर विजुअल ले लेते, हाँ विजुअल कर लेते, फिर बाइट कर लेते। बाइट किस लिए? ये सर बर्थडे विश के लिए सर। वो मैं उनको करूँगा यार, तुमको थोड़ी करूँगा, हम लोग आगे पहुँचा देंगे। हेलो, ये इतना मुँह में मैम, पीछे आ रहे, मैं उनको करूँगा पर्सनली यार। जी सर, जी सर, हम लोग सोचेंगे आप कह रहे हैं स्वीटहार्ट, वो पब्लिक का अफेयर नहीं है मेरा। जी सर, सेंटर सर। ओके, थैंक यू सर। दो लाइनें सर, प्लीज दो लाइनें खाली। बहुत डर लगता है आप लोगों से, ऊपर करो, चलिए रोल है सर। भूलिए सर, अनूप जी का 70th बर्थडे है कल था जो, एक थोड़ा संभाल लीजिए। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मौके पे अनूप जी के बारे में? अनूप जी हमारे मित्र हैं बहुत बहुत अरसे से,
और इतने साल हो गए कि अब याद भी नहीं आता कि कितने पहले हम लोग मिले थे और उसके बाद मित्र हो गए। एक बहुत अच्छे इंसान हैं और ये तो सब जानते हैं कि बहुत अच्छे गायक हैं। भजन जहाँ तक का प्रश्न है वो इंडिया के सरताज हैं, तो उनका आज 70वां जन्मदिवस है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हमेशा वो इसी तरह से हमारा मनोरंजन करते रहे, अच्छे अच्छे गीत हमें देते रहे, अच्छे अच्छे भजन देते रहे और दिन दिन में राज चौधरी को उम्मीद करते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले भेजो नहीं, अभी वो बाइट चालू है ना मैडम, इसलिए तब तक फोटो हो जाएगा। थैंक यू।